चलिए ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं और मैं अपना दिनचर्या आज आपको दिखाती हूँ। तो आज मैं सबसे पहले मैं किचन में आ गई हूँ और मेरा ब्लॉग किचन से ही स्टार्ट होता है, आप लोगों को तो पता है। तो मेरा ब्लॉग किचन से ही स्टार्ट होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो आज मैं बना रही हूँ बूंदी, मीठी वाली बूंदी बना रही हूँ सबसे पहले, फिर उसके बाद बाकी काम करूँगी। तो मैं सोची आप लोगों को शेयर कर लूँ और मैं बूंदी बताती हूँ मैं किससे बनाने वाली हूँ। तो हम लोग को ना मीठा खाने का आदत हो गई है, कुछ कुछ मीठा खाने का मन करते रहता है, तो मैं सोची बूंदी बना लेती हूँ। तो मैं बूंदी इससे बनाने वाली हूँ इससे, और आप देखिएगा इससे कितनी अच्छी बूंदी बनती है, और मैं खूब सारा बनाऊँगी इसी से। तो वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं थोड़ी सी अटक जाती हूँ तो, और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो आज मैं यही बूंदी बनाने वाली हूँ और नवरात्र स्टार्ट होने वाला है तो कल से मैं साफ सफाई में लग जाऊंगी घर का, तो शायद एक दो दिन ब्लॉग ना आए। तो आज मैं सोची आप लोगों को साथ बातें से कर लेती हूँ और मैं लाइव, अगर मैं ब्लॉग नहीं डालूंगी तो मैं लाइव आ जाऊंगी और प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, अभी मैं बना रही हूँ चाय, चाय पीने के बाद मैं बूंदी बनाऊंगी। मेरी चाय बन रही है, मुझे एकदम कड़क चाय अच्छी लगती है तो मैं इसको अच्छे से खौलाऊंगी। और इधर मैं दूध भी गर्म नहीं की हूँ, दूध गर्म करूंगी। और मैं बना रही हूँ भाजी, फेवरेट भाजी है जो मैं आज बना रही हूँ, सॉरी साग बोलते हैं इसको, मैं छत्तीसगढ़ की हूँ ना तो मैं भाजी बोलती हूँ, मुझे भाजी बोल तो ना, ये मेरा फेवरेट भाजी है लेकिन यहाँ अच्छा मिलता नहीं है। तो ये देखिए ये साग है, लाल वाली साग, और ये पता नहीं क्यों हरा हो गया है, कलर अपना छोड़ दिया है। तो ये देखिए ये आधा केजी मैं लाई थी और ये बिल्कुल भी नहीं गलता है, मैं कितना पानी डाल के गला रही हूँ लेकिन ये गलता नहीं है। और मेरे ससुराल में या मायके में एकदम हलवा हो जाती है, गल के हलवा, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा। और ये गल ही नहीं रहा है, बस ये ऐसी हो गया है, तो क्या करें, जहाँ रहते हैं उसी हिसाब से चलना पड़ता है और खाना पड़ता है। तो मैं इसको थोड़ी सी और गला लेती हूँ पानी डाल के, फिर इसको बंद कर दूंगी। वैसे ये सीज गया है पर ये जो हलवा हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है चावल के साथ, आप बिना सब्जी के भी चावल के साथ खा सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है, एक तेल डाल दो, फोरन डाल दो और इसको डाल दो लाल वाली भाजी बस, और फिर लास्ट में इसमें गोलकी जीरा डाल दो, हो गया। और तेल, फोरन और भाजी डालने के बाद नमक डाल दो ताकि ये पानी वानी छोड़ दे और अच्छे से गल जाए।
तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि इसमें एक एक स्टेप आप अगर मिस कर देंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पास तेल गरम कर ली हूँ और इसमें एक बूंद डाल के देखी तो वो तुरंत ऊपर उठ गई, तो मतलब तेल हमारा गरम है। तो यहाँ पास मैं ये छोटा वाला गाजर घसने वाला, इसको मैं अच्छे से धो ली हूँ और अच्छे से पानी पोंछ ली हूँ और इसके ऊपर मैं डालूंगी तो ये गिरेगी। लेकिन ये ना मेरा बैटर थोड़ा सा मोटा है, मतलब गाढ़ी है थोड़ी सी बैटर, तो ये अच्छे से नहीं गिर रही है। तो पहले मैं इसको अच्छे से निकाल लेती हूँ, फिर इसके बाद देखिएगा कितना अच्छे से पूरी कढ़ाई भर जाती है। और आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी सी है, बहुत टाइम लगेगा, मतलब बहुत परेशान हो जाऊंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये छोटा सा है लेकिन बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत अच्छे से बनती है जल्दी जल्दी। तो ये अभी मेरा बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है तो इसीलिए ऐसे नहीं हो रहा। तो चलिए मैं आपको इसको दूसरा बना के दिखाती हूँ। तो मैं पहले इसको अच्छे से निकाल लूँगी, और ये जो गाजर घसने वाली है इसको जितने बार आप यूज करोगे उतने बार आपको इसको धोना है और उतने बार आपको इसको पानी कपड़े से पोंछना है। तो मैं पहले इसको निकाल लूँगी और देखिए मैं इसको अच्छे से इसको इसकी बैटर को काच ली हूँ और इसको पानी से धो दूँगी मैं और फिर इसको सूखे कपड़े से पोंछ दूंगी। इससे ना ये गोल गोल गिरेंगे, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपका बैटर गिरेगा ही नहीं और गोल गोल भी नहीं बनेंगे। तो इसीलिए आप जितने बार उसका यूज करें उतने बार धोए और उतने बार पोंछे। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसको पतला कर लेती हूँ। तो मेरी दूध उधर उबल रही थी तो मैं उसमें थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ और ये देखिए मैं इसको अच्छे से पोंछ ली हूँ। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आपको मीठा खाने का मन कर रहा है तो। और यकीन मानिए आप एक बार जब इसको मुंह में डालेंगे ना तो आपको मन करते रहेगा, डालते रहूँ, खाते रहूँ बस। तो ना ऐसा मेरे साथ होता है, इसीलिए ना मैं जब भी थोड़ा सा लेती हूँ फिर थोड़ा सा और लूँगी तो बहुत खाने का मन करता है। तो देखिए अब कितने अच्छे से गिर रहा है। और जब ये आप बूंदी बनाएं तो उस समय गैस का फ्लेम तेज कर दे जिससे ये बूंदी दम फूल के ऊपर आ जाएगी। अगर आप लो फ्लेम पे बनाएंगे तो बूंदी पचकी पचकी बनेगी और हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ये बूंदी बहुत अच्छे से बनेगी, दम फूली फूली। तो ये देखिए कितने अच्छे से बन रही है ना बूंदी। तो बैटर अगर आपको लगे कि गाढ़ा है तो आप थोड़ा सा पानी डाल के पतला कर ले। तो ये देखिए मेरी कढ़ाई भर गई है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है और आपको मैं दिखा रही हूँ। तो मैं इसको फिर से काच लूँगी, फिर से धोऊँगी, फिर से पोछूँगी, तो ये ऐसी सिलसिला होता रहेगा। और मेरी बूंदी अब अच्छे से करक होने वाली है। तो और यहाँ पर ना मैं थोड़ा गाना गा रही थी, गाना गाने का मन कर रहा था। तो कैसा लगा आपको मेरा गाना? मैं ना ऐसे गुनगुनाते रहती हूँ, मुझे बहुत शौक करती है गाना गाने के, लेकिन नहीं गाती हूँ बेसुरा गाती हूँ ना, इसीलिए मैं नहीं गाती हूँ। तो मैं ऐसे ही करके सारे बूंदी बना लूँगी। तो चलिए मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ। और प्लीज़ आप अगर ट्राई करेंगे ना, अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की है, मेरी वाली रेसिपी अगर आप ट्राई किए हैं, तो प्लीज़ मुझे उसका पिक मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर भेजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है इंडियन हाउसवाइफ सुप्रिया। तो अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। तो ये देखिए मैं अब दूसरी बार भी बनाई हूँ तो कितने अच्छे से गिर रही है। और इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है और फिर ये तला भी बहुत जल्दी जाती है। बस इसको ना हाई फ्लेम पर बनाते हैं, इसको लो फ्लेम पर नहीं बनाते हैं। तो हाई फ्लेम पे ही इसको तलिए और ये एकदम क्रंची हो जाएगा। अगर आपको नमक वाली बनानी है तो इसमें आप नमक डाल दीजिए और नमक वाली बना लीजिए, जिसको आप रायता में कहीं भी आप कभी भी किसी के साथ खाना चाहते हैं, चाय में खाना चाहते हैं तो चाय में भी डाल सकते हैं। तो अगर आपको नमक वाली खानी है तो नमक वाली भी बना लीजिएगा और अगर मीठी खानी है तो मीठी वाली भी बना लीजिएगा। तो ऐसे ही मैं सारे बूंदी बना लूँगी। तो इसके बाद मैं बनाऊँगी चाशनी। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ इतनी सी बनी है मेरी बूंदी, ये एक बार की निकली हुई है, दो बार की। तो ये बहुत ही अच्छी बनी है और कलर भी बहुत अच्छा आया है और एकदम गोल गोल फूली फूली है। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाशनी। तो मैं एक पाव
बेसन ली थी तो मैं उसमें एक पाव ही चीनी डालूंगी। तो मैं चीनी अभी ख़रीद के ही ला रही हूँ, तो मैं उसी पॉलीथीन से ही डाल दी हूँ। तो अभी मैं इसमें से थोड़ा सा निकाल लूँगी, ये बहुत ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा निकाल लूँगी मैं। मुझे गीली वाली बूंदी अच्छी है लगती है। अगर आपको सूखी बूंदी खानी है तो मैं आपको सूखी वाली बूंदी भी बना के दिखाऊंगी। तो ये देखिए मेरा एक पाव बूंदी है, एक पाव बेसन में एक पाव बूंदी बहुत है। तो मैं इसमें डाल दी हूँ पानी, पानी मैं 2-3 कटोरी डाल दी हूँ। तो मैं इसको हाई फ्लेम पे चढ़ाई हूँ। अगर मैं आप वहीं पास हैं तभी हाई फ्लेम पे करें, नहीं तो ये सूख जाएगा बहुत जल्दी। और इसमें मैं डाल रही हूँ किशमिश, किशमिश डालने से बहुत अच्छा लगता है। और इसमें आप खीरा का बीजा भी डाल सकते हैं, मेरे पास खीरा का बीजा नहीं था तो मैं नहीं डाली हूँ। और थोड़ी सी इलायची, मेरे पास इलायची भी नहीं थी और मैं दुकान से नहीं लाने गई थी। तो बस मेरी चाशनी हो गई है, देखिए गाढ़ी हो गई है। मुझे इसको बस हल्का सा चिपचिपा करना है क्योंकि मुझे गीली वाली बूंदी बनानी है, तो मुझे हल्का सा चिपचिपा करना है। तो ये हो गया है, तो मैं इसमें अपनी सारी बूंदी डाल दूंगी और ये पूरा सोख लेगा। तो ये देखिए मेरी एक इतनी सारी बूंदी बनके तैयार हुई है एक पाव बेसन में। तो ये बहुत ही अच्छा, देखिए कितना फूला फूला है और बहुत ही क्रंची भी है। तो देखिए कितनी करंची बनी है और फूली फूली बनी है और सेब भी बहुत अच्छा आया है। तो चलिए अब मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा सा गैस का फ्लेम लो रखूँगी और थोड़ा सा इसको डालने के बाद भी थोड़ा सा रहने दूँगी जिससे बूंदी के अंदर सारे रस सोख ले। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप एक लाइक करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है, तो मुझे उससे और अच्छे करने की जज्बा होता है। तो ये देखिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जिनको खाना बनाने नहीं आता है, जो मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं तो उनको आप ये शेयर कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो मैं ऐसे ही सारे बूंदी बना लूँगी। मैं थोड़ी सी बूंदी रख रही थी सूखी वाली बनाने के लिए क्योंकि इनके पापा को सूखी वाली बूंदी पसंद है और मुझे गीली वाली। तो वो बोले कोई नहीं तुम मुझे दीपावली में बना के खिला देना, दीपावली में भी मैं बनाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी सूखी बूंदी बनाने के लिए। और दीपावली में मैं एक से एक रेसिपी बनाऊंगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप बताइएगा कि आप मैं कौन सी रेसिपी बनाऊं। आप मीठा रेसिपी मुझे बता सकते हैं, मुझे मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है और बनाना भी। तो अगर आपके पास कोई रेसिपी है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं दीपावली पर आपको वही बना के दिखाऊँगी। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मेरे पास एक ही इलायची थी जो मैं इसमें मिला दी हूँ। और मैं दुकान उतना जाने का कंझट नहीं करती हूँ, मैं जो घर में रहता है उसी से बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैं एक इलायची इसमें डाल दी हूँ और इसको आधे घंटे के लिए सोख होने दूंगी। ये सारा रस सोख लेगा और ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा बूंदी सारा रस सोख लिया है और आप देख सकते हैं एकदम सूखा सा हो गया है। और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है खाने के लिए। और इस ऐसे आप लड्डू भी इसका बना सकते हैं। तो ये देखिए ये पूरे रस को सोख लिया है। तो आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, तो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।